गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। गाइस, आप लोग घर बैठे उसमें सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। गाइस, सिंपल, आप लोग के पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड, और आप लोग कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। अच्छी बात यह है, आप लोग को वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है केवाईसी करने के बाद। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों, सिंपल आप लोगों को अपना जियो जो ऐप होता है, आई होप आप लोग इसको यूज भी करते होंगे पहले से। तो गाइस, जैसे ही आप लोग जियो ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है बैंक का। तो जैसे ही आप लोग बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है जियो पेमेंट्स बैंक। आप लोगों को कोई भी बैलेंस नहीं रखना है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आप लोगों को फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा। तो आप लोगों को नीचे आके स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब गाइस, आप लोग यहाँ पे सिम सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आप सिम लेना चाहते हैं, देन आपको यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अब एम पिन बनाना है, देन आपको यहाँ पे एंटर करेंगे, देन कंफर्म कर देंगे। उसके बाद गाइस, आप लोगों को यहाँ पे आगे बढ़ना है। यहाँ पे कुछ मैसेज आते हैं जियो से, तो यहाँ पे आपको जो भी एम पिन बनाया है वो एंटर कर देंगे, देन कुछ इस तरह से आ जाता है जियो पेमेंट्स बैंक का। तो गाइस, आप लोग देख ही पा रहे हो, नीचे आके वेलकम टू जियो पेमेंट्स का आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाता है कि किस तरह से आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था। इनको देखने के बाद आप लोगों को नीचे स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे OTP आएगा, जो भी नंबर लिया होगा। तो यहाँ पे OTP एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आ जाती है, इसको पढ़ने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आप लोगों को नीचे आके सेंड OTP पे क्लिक करना है। गाइज, आप जैसे ही क्लिक करते हैं, जो भी आधार के साथ में नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, एंटर कर देना है। देन उसके बाद जो भी आधार के साथ में जो भी आपकी एड्रेस होगा वो यहाँ से ले लेता है, पर्सनल डिटेल आपकी आ जाती है यहाँ से, आधार से उठा लेता है। तो आप लोग देख ही पा रहे होगे, बस आप लोगों को यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करनी होगी, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल डिटेल्स आपको ऐड करनी होगी, आपका जेंडर क्या है, पैन कार्ड आप ऐड करेंगे, अपना मैरिटल स्टेटस और फादर का नेम, मदर का नेम, ऑक्यूपेशन क्या है आपकी। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या स्टूडेंट हैं। उसके बाद गाइज, आप लोगों को यहाँ पर स्क्वायर ऑफ इनकम क्या है आपकी, मतलब आप लोगों को यहाँ पे अपनी इनकम सिलेक्ट करनी होगी नीचे जाके। और उसके बाद आप लोगों को टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। गाइज, यहाँ पे आप लोगों का परमानेंट एड्रेस आ जाता है, उसके देखने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आप गाइस यहाँ पे अपना नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो कर दीजिएगा। देन अगर आपकी कोई डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी है, मतलब एडिट करनी है सॉरी, तो यहाँ पे आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग अपना नॉमिनी भी एडिट कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। यह वीडियो के बेसिक स्टेप आ चुका है, आपके पास अपना मोबाइल होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, और उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो यार गाइज, आप लोग यहाँ पे स्टार्ट कॉलिंग विद एजेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको अलाउ करना है, अपना एम पिन डालना है, आप लोगों को 2 मिनट आपको रुकना है, आपकी वीडियो के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। ओके, मैं रिपीट करना है मुझे, मैम मैम 5548 मैम पैन कार्ड दिखाना है। ओके, आपका वीडियो केवाईसी हो चुका है, आपको 3 दिन के अंदर अंदर हमारे उसे एसएमएस आ जाएगा। अच्छा मैम, मैं वो जो डेबिट कार्ड और जो सारी चीजें होती हैं वो मतलब कब मिलेगा मैम? आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड 3 दिन के अंदर अंदर जो भी पैसे एसएमएस आ जाएगा ना, आपको उसके बाद आप वर्चुअल डेबिट कार्ड चेक कर सकते हो माय जीओ पे। ये जो बोलते हैं कि आपका 3 दिन में सारी चीजें आपको मिलती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइज, आप लोगों को 1 से 2 घंटा आपको वेट करना है और आप लोगों की सारी चीजें एंड टू एंड आ जाती हैं। यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करना है, जैसे कि आप लोग अकाउंट नंबर मिल जाता है, IFSC कोड मिल जाता है, और आप लोगों का यहाँ पर कार्ड जो नंबर लिखा है, आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड आ जाता है। आप लोग जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में करते हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं।